नवंबर को जो क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 104.40 आपका 14th नवंबर का मंगलवार का जो प्राइस कैंडल फॉर्म था वो था एक ह्यूज नेगेटिव कैंडल जो प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया था नीचे आके भी कहां पे रुका एक 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे आके रुका आल्सो ये जो पिंक कलर का जोन है दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट जोन सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है या नहीं एज पर अवर अगर इसको नीचे जाना है तो फॉलो थ्रो देना चाहिए था यानी फोर्टीन के बाद फिफ्टीन को फॉलो थ्रो चाहिए था जो फिफ्टीन नवंबर को फॉलो थ्रो नहीं दिया है 15th के एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया मदर कैंडलबर यहाँ पे क्या क्या चाहिए अगर इसको तोड़ना है तो आपका फोर्टीन के मदर कैंडल के नीचे फॉलो थ्रो देना चाहिए था जो दिया नहीं है अभी ये इन साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इंसाइड बार के लोग के नीचे थोड़ा सा हम फॉर द सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड अबव द हाई पुल बैक टुवर्ड्स 105 105.20 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर रुपी डॉलर रुपी में कल ओपन गैप डाउन ओपन हुआ था ओपन होके फिर दोबारा ऊपर गया आपका 83.1617 तक एंड फाइनली जो क्लोज दिया था वो था आपका 83.09 पे अभी व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट में यहां पे वही है हमें इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस देखना है एंड आपका ये फॉलोथ्रो देखना है तो अभी मार्केट में ये कंसोलिडेशन के अंदर में ही पड़ा हुआ है सो so, कंसोलिडेशन होने देते हैं नीचे की तरफ आपका 82.80 से 83.00 इज एक्सपेक्टेड एक्ट एज सपोर्ट ऊपर में इनविजिबल हेंस तो है ही 83.30 के आसपास बेचने के लिए सो so, ओवरऑल ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में बैठे हुए हैं तो जब तक एक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते हैं तो लेट इट टू सस्टेन देयर अभी जीबीपी डॉलर जीबीपी डॉलर परसों यानी फोर्टीन नवंबर का जो एक ह्यूज मदर कैंडल था उसके ऊपर फॉलो थ्रू देना था अगर इसको फॉलो मीन्स ऊपर की तरफ मूव करना था लेकिन इतना बड़ा बड़ा कैंडल के बाद कंटिन्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा पुल बैक चाहिए पुल बैक के बाद एक अगेन अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीइंग द केस हमारे पास अभी जो सपोर्ट जोन है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था आपका 1.2350 से सेवन जीरो के बीच में एक सपोर्ट जोन है क्या अन्य वाले दिनों में इस सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है एंड ये जो फोर्टीन नवंबर का हाई है उसको तोड़ता है इस टाइप का अगर करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी ए वेरी हेल्दी अप मूव एंड हेल्दी एंड ट्रेंडेड एंड स्ट्रॉन्ग अप मूव होना हो सकता है सो so, क्या ये ऐसा होता है अभी जो कल का जो यानी 15th नवंबर का जो कैंडल बना है इट्स अ इनसाइड बार कैंडल टू द मदर कैंडल डेटेड 14th ऑफ नवंबर दैट बीइंग द केस इसके हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन लो के नीचे थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीबीपी आईएनआर सिमिलरली 14th नवंबर का ह्यूज मदर कैंडल के बाद वन साइडेड ये ऊपर की तरफ मूव नहीं करना चाहिए सो so, यहां पे एक करेक्शंस आया है करेक्शंस और थोड़ा जा सकता है मे बी टूर्ड्स दिस जोन क्या है आपका हंड्रेड एंड टू पॉइंट फाइव जीरो के तरफ आ सकते हैं एंड ऑल्सो अगर ये नीचे नहीं आके रेदर ये नवंबर का हाई को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो एक फर्दर अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे देखने वाला चीज है ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फोर्टीन का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है एंड नेक्स्ट डे में यानी 15 नवंबर को सस्टेन किया है दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक पुलबैक के बाद फिर दोबारा एक अपवर्ड मूवमेंट रेज्यूम होने का पॉसिबिलिटीज है यूरो डॉलर सिमिलर लाइन एंड लेंथ में एनालिसिस होगा 14th नवंबर का एक ह्यूज मदर कैंडल उसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद नेचुरली थोड़ा सा पुलबैक आना चाहिए जो ऑलरेडी 15 नवंबर पर हमने देखा फर्दर हमें देखना है कि और थोड़ा पुल होता है। yeah, ये और अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं क्या करते हैं ये जो फिफ्टींथ नवंबर का हाई है उसको ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं आज के दिन यानी 16 नवंबर के दिन देन

जो एक रिट्रेसमेंट हल्का सा किया है एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया अभी इन्वर्टेड पिन बार का जो लोकेशन है इट्स वेरी क्रूशियल ये इस लोकेशन पे आपका इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है दैट मीन द केस इसके लो के नीचे यानी 15 नवंबर का जो लो है उसके लो के नीचे थोड़ा सा हल्का सा रिट्रेसमेंट्स हम देख सकते हैं कहाँ तक देख सकते हैं मे बी टूअर्ड्स आपका इस जोन तक हम रिट्रेसमेंट

Means, ये जो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर का कैंडल है मदर कैंडल जो के में ही है एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह कैंडल ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुका है सो so, ये जो थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर का रेंज है इधर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड बिकम्स वेरी क्रुशियल इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो देर आर हायर पॉसिबिलिटीज डॉलर येन में मूव से 155 के तरफ ओनली बीओ जे का डंडा क्या बीओ जे यहाँ पे इंटरवीन करते हैं या नहीं उसका एक एक्सेप्शन हो सकते हैं अगर नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करते हैं आने वाले दिनों में सिमिलरली इस रेंज के हिसाब से जितना ब्रेक डाउन उतना नीचे के तरफ आने का हायर प्रोबेबिलिटीज है अभी एन आई एनआर एन आई एन आर आप देखो कि ये जो ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस इसके ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन कर नहीं पा रहा है इसको अगर ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रांग बॉडी कैंडल देना है सिमिलरली डॉलर येन को अगर नीचे आना है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे स्ट्रांग क्लोज नेगेटिव क्लोज देना चाहिए अभी यहाँ पे ये एक बॉटम बनाया आपका 13th नवंबर अभी हमें देखना है कि आने वाले दिनों में ये 13th नवंबर का बॉटम को चैलेंज करके नीचे की तरफ ब्रेक करता है या इसमें कंसोलिडेट करके इसी एरिया पे कंसोलिडेट कर फिर दोबारा ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रयास करते हैं क्या करते हैं हमें प्राइस एक्शन के के मूवमेंट mm, से हमें क्लू ढूंढना चाहिए डॉलर कैंडी डॉलर कैंडी आपका फोर्टीन नवंबर का ह्यूज नेगेटिव कैंडल के बाद छोटा सा पॉज कैंडल अभी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है कौन सा सपोर्ट लेवल है 1.36 30 1.36 60 की तरफ क्या इस लेवल को सपोर्ट करके फिर दोबारा कंसोलिडेशन में जाते हैं या इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ आते हैं हमें ये देखना पड़ेगा डॉलर ये अभी ये जो कंसोलिडेशन जोन है इस जोन के हायर एंड पे आके कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है अभी डोजी कैंडल के हाई के ऊपर एक हमें अपवर्ड थ्रस्ट मिल सकता है लेकिन यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज बैठा हुआ है 200 पीरियड मूविंग एवरेज बोले तो यहाँ पे इसके आसपास एक रेजिस्टेंस हल्का सा मिल सकता है सो so, डॉलर का अगर क्लियर अपवर्ड मूवमेंट देना है तो ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज देना चाहिए डॉलर सीएनएच 7.2430 ये कल एक कल बोले तो आपका फोर्टीन ऑफ नवंबर के एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल दिया था एंड कल के दिन एक यहाँ पे छोटू सा एक रिवर्सल uh, कैंडल बनाया हुआ है एक पिनबर टाइप ऑफ कैंडल अभी हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है क्योंकि ऊपर की तरफ पीबीओसी बैठे हुए हैं इंटरवीन करने के लिए एंड नीचे के तरफ जाने का नामोनिशन इसीलिए नहीं है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इज फार अवे फ्रॉम मींस शोइंग सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ जब तक वो ग्रोथ नहीं दिखाते हैं तब तक टिल दैट टाइम ये चॉपिंगेस बढ़ करा रहेगा साइडवेज चॉपिंगेस अभी ब्रेंड क्रूड ब्रेंड क्रूड में अभी है आपका 81.91 यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज ये है कि आपका ये आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस एट 40 एंड मूविंग डाउन दैट बीइंग द केस इस लो को अगर क्लियर कर देते कौन सा लो नाइन नवंबर का जो लो है 80.9094 इस लो को अगर क्लियर कर देते हैं तो देर है आपका है पे आपका 79 के आसपास आसपासन सेकेंड सपोर्ट हो सकता है आपका 76 के आसपास अभी आता है यूएस ईयर ट्रेजरी यूएस ईयर ट्रेजरी फोर पॉइंट फाइव थ्री सेवन यहाँ पे फोर्टीन का एक स्ट्रॉन्ग ने फॉलो थ्रो नहीं दिया फोर पॉइंट फोर फाइव के आसपास थोड़ा सा और थोड़ा टाइम पास करेगा बिफोर गेटिंग सम क्लियरिटी अबाउट द रेट पॉज रेट कट और रेट हाइक यूएस टूर ट्रेजरी 14 तो के कल के दिन एक कॉन्सोलिडेशन so, जोन बनाया हुआ है ऊपर की तरफ आपका 5.07 पॉइंट जीरो सेवन एंड नीचे की तरफ आपका 4.80 इसके बीच में ही और कुछ समय के लिए कुछ दिनों के लिए टाइम पास करना चाहिए

One reminder: Those who have not subscribed to my channel, may subscribe the channel so that whenever I upload a video, it you get a notification. So, for have a nice day ahead. Thank you and bye bye.